जी बताइए। बोलिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या शेयर करना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? सर प्रॉब्लम तो अभी भी वही है बताइए बताइए अच्छे से। कि वो मन्नत वाले विचार अभी भी आते हैं, ये नहीं है कि नहीं आते हैं, पूरे पूरे आते हैं। क्या मन्नत और के विचार किस तरह से आते हैं, थोड़ा और डिटेल में बताओगे आप? जैसे कि मतलब कि कहता हर छोटी छोटी बात, मेरा ये काम हो जाए तब आएगा, बच्चे को लेकर आने लगता है, मेरे हस्बैंड के जॉब काम ये सब को लेकर आने लगता है, हर छोटी बात, घर का जमीन का कहीं कोई बात सुन ली तब सब चीज का लेकर लोग बातें करते हैं घर पे, तब और कुछ भी सुनी रहती है, ये पूजा पाठ हो रहा है वहाँ पे हो रहा है, तो वो सब अपने आप ऑटोमेटिक चालू होने लगता है कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूँगी वो करूँगी मैं भी ये सब करूँगी। जमीन का जैसे मतलब मान लीजिए घर पे मेंबर्स हैं तो लोग अपना आपस में बात करते हैं, यहाँ जमीन देने वाले की, गांव पे गांव है हम लोग का गोरखपुर में, तो वहाँ पे हम लोग का घर नहीं है, जैसे छोटा सा घर है, तो वो लोग वो सोचते हैं मेरे हस्बैंड और मेरे देवर कि वहाँ पे जमीन लेकर अपना खुद का घर बनाने के लिए, तब तो उस बात पे भी मन्नत के विचार आने लगते हैं कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये सब का विचार आने लगता है। ठीक है। और कौन कौन सी मन्नत आती है? सर जैसे कि दुर्गा माँ का देख लिया तो माता की चौकी का, कभी भंडारे का, तो कभी वो भागवत कथा का, कभी रामायण का, कभी वो गणेश जी बैठते उनके हैं उनके आप। उनकी पाठ पूजा करवाऊंगी ऐसा लगता है। अगर मान के चलो वो नहीं करते आप तो क्या होगा? तो मुझे ना घबराहट और बेचैनी होने लगती है। कुछ टाइम पहले ना ऐसे विचार आ रहे थे मेरे को कि जी मेरे हस्बैंड का वो थोड़ा टेस्ट का कोई प्रॉब्लम चल रहा था, तो मैंने नेगेटिव विचार तो मैंने वो काफी टाइम से चल रहा था टेस्ट का प्रॉब्लम, तो मैंने पहले ना जब से मन वाले विचार आने लगे ख्याल, तो ऐसे अपने आप में घर में पोछा लगा रही थी, तो ऐसे आ रहे आ रहा था विचार ऐसे ही मन में, उनके इनकम टैक्स को लेकर ना वो जो आपको गीता वाला नहीं बताई हूँ जी जी उसका विचार आ गया, तो मैंने कहा मैं तो अब नहीं कर आपने पाऊंगी। अभी बात नोटिस करी एक, कि अभी भी मेरे सामने भी आप नहीं बोल पा रहे कि मैं वो पाठ करवाऊंगी, है ना? जी हाँ, अभी भी नहीं बोल पा रहे आप। जी जी समझी नहीं सर, फिर से बोलो ना, उसका मतलब नहीं मैं समझे ये कह आपको। रहा हूँ कि आप मुझे भी वो जो मन्नत वाला पूरा जो कंप्लीट विचार है या जो कंप्लीट बात है वो मेरे साथ भी नहीं बोल कर नहीं कह पा रहे हो, वैसे ऊपर ऊपर से बता रहे हो आप। जी, ताकि वो मुझे विचार ना आए, हाँ, ताकि ताकि विचार मेरे ना आए। दिमाग में। मैं हाँ समझ जी गया वो बात आपकी कि ऐसा जी क्यों हो पा रहा जी तो सर जानते हैं उसके 2 दिन बाद ना उनका इनकम टैक्स का प्रॉब्लम क्लियर हो गया, लेकिन उनको ना 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा था, वो जैसे कि बात ये था कि उनका पूरा क्लियर था पेपर वर्क, लेकिन उनको फिर भी नहीं, वो लोग बोल रहे थे नहीं तुमको इतना देना पड़ेगा, तुम्हारे इतना इनकम टैक्स का पैसा, तुम फिर भी मतलब उतना ना देकर 2 लाख उनको देना पड़ा। फिर भी मैंने अपने मन में विचार लाया तो उनको तो कुछ भी नहीं देना, फिर भी उन्होंने 2 लाख दिए, फिर भी वो विचार आते ही रहते हैं आते ही रहते हैं। तो आपने पहले मन्नत मांगी थी कि ऐसा ना हो, हमारा मैटर सॉल्व हो जाए, ये सब कुछ? नहीं नहीं सर, ये सब कभी भी ऐसा कुछ नहीं माना था, ये जब से विचार मन्नत वाले विचार में को आने लगना तो अपने आप ऑटोमेटिक सब आने लगता है, मैंने कभी भी नहीं माना था, ठीक है। मैंने मतलब मुझे पहले वो आते ही नहीं थे ऐसे विचार जी। और कोई घटनाएं ऐसी लाइफ में जो मन्नत से रिलेटेड हो? नहीं जी सर, कभी भी कुछ भी नहीं, जैसे मतलब मेरे हस्बैंड का मैंने आपको बताया था सर कि उनका जॉब मतलब काम उनका खुद का थोड़ा छोटा सा बिजनेस है, तो वो कुछ दिन से मतलब काफी टाइम से पता साल भर हो गया था नहीं चल रहा था, तो मैं अपने मायके में थी, तो मेरे भैया का जॉब लगा था सरकारी जॉब, उन्होंने एक मंदिर था वहाँ पर कलकत्ता में चितेंगे हम मेरे मम्मी पापा के पास, तो वहाँ उनको उन्होंने मन्नत माना था कि मेरा जॉब सरकारी जॉब लग जाएगा तो मैं माता को वो बकरा नहीं होता है बकरी उकरी वो चढ़ाने का, तो वो मेरा कहता ऐसे ही वो तब पापा में मेरे पापा मेरे मेरे खुद के पापा उन्होंने लेकर आया था चढ़ाने के लिए, तब से उसके बाद से मुझे वो कहता, फिर पापा मेरे लेकर आए थे घर पर, तभी मेरे भैया भाभी नहीं आए थे मैंने आने वाले थे, तो फिर मेरे हस्बैंड का सुनाई दिया था, तब से वो मेरे को विचार आने, तो मेरे को ऑटोमेटिक तब से वो विचार स्टार्ट हो गए हाँ कि मेरा भी इनका काम हो जाएगा तो मैं वो चढ़ाऊंगी ये चढ़ाऊंगी, ये सब का ऑटोमेटिक तब से स्टार्ट हो ये अभी गया। आप कब से प्रॉब्लम ज्यादा महसूस कर रहे हो, कितने सालों से, वो थोड़ा नंबर ऑफ ईयर बताओगे आप?
सर 2 साल हो गए हैं मान के चले ना, 2022 से की और 2021 से ही मेरे को ये प्रॉब्लम है। 2022 से मेरे को ये प्रॉब्लम हो गए, मतलब ईमान करीबन करीबन 1.5 साल हो गए मुझे ये प्रॉब्लम से भूखते हुए। तो फिर जब आप मंदिर में जाते हो या पूजा करते हो तो हाँ दिक्कत होती है तब आपको? तभी आते हैं सर, तभी भी आते हैं सर। वैसे नहीं आते या कभी भी आ जाते हैं? तो मैं कि सर दिन भर चलते रहते, मैं ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं कभी खाली जाओ कहीं पूजा स्थल जगह करूँ, दिन भर चलते रहता है। कहीं कुछ पूजा पाठ हो रहा सुनत मेरे को वो विचार आने, नहीं करूँगी ऐसा कहीं का मुझे विचार आने लगता है, फिर भी मैं कहती मैं नहीं कर पाऊंगी ठीक सर। है। बस कुछ तो बताइए। देखिए इसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक्स बातें पहले डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जो मन्नत का जो कंसेप्ट है ये बहुत पुराना है। ये आपने अपने घर से सीखा है या भी जो आपका ससुराल में वहाँ से भी ये सब बातें होती हैं, मतलब बहुत पुराना है। और ये मन्नत वाली कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे बिलीफ सिस्टम है, हमारे माइंड की कंडीशनिंग है और ये हम चीज़ें करते रहते हैं नॉर्मल लाइफ में, ये भी होती हैं। ऐसा नहीं कि नॉर्मल लाइफ में नहीं होती, लेकिन वो नॉर्मल लाइफ से कब अब नॉर्मल हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चल पाता। डिसऑर्डर कब बन जाता है देखिए हमें पता ही नहीं चल पाता कि कब। वही सर, मुझे ये भी होता है ना कि एक एक जो मन्नत आदमी रहता है तो उसको करने की सोचता है, जो मेरी मैं अपनी खुद की सक्षम से कर सकती हूँ। मेरे घर में जैसे पूजा पूजा पाठ लोग करते हैं, मानते हैं देवी देवता, लेकिन वो लोग इतना पूजा पाठ नहीं करते। अरे साल साल 2 2 साल 3 3 साल हो जाते हैं, वो लोग घर में कथा पर नहीं सुनते हैं, तो मैं कैसे अपनी मर्जी से कोई काम कर सकती हूँ। मेरे हस्बैंड भी भगवान में बिलीव करते हैं, लेकिन वो सब बोलते हैं कि भगवान को दिल से माना जाता है, पूजा पाठ दिल करो, मैं वो नहीं, लेकिन ये सब वो नहीं ठीक करते हैं। मेरे घर में कोई भी नहीं, मंदिर में सब कोई जाता है पूजा पाठ करने के लिए, सब कुछ नहीं उनको मंदिर में नहीं। अभी देखो सावन चल रहा था, सावन में मेरे मैंने 2 महीने का सावन था, मैंने हर सोमवार उपवास किया है, लेकिन मेरे हस्बैंड बाहर जाकर वो नॉनवेज खाना खाते थे। घर में नहीं बनता था। जी नहीं, घर में नहीं बनता था। वैसे उससे पहले घर में बनता है, हाँ वैसे सब नॉर्मली बनता है सर। नॉर्मली घर में बनता है। जी सर नॉर्मली बनता है, जब भी मतलब जैसे ये नवरात्र चालू हुआ दिवाली वाली रहता है जी इस जी टाइम पे वो सब तो नहीं ये ना बनता ये है। सारे अपने डर हैं, जी ये सारे के सारे क्या हैं अपने डर डर हैं और कुछ भी नहीं। देखो है सर, मन्नत ये मन्नत। मांगने से ना तो किसी का भला हुआ है ना किसी का नुकसान हुआ है, जी ठीक है। कोई ना कोई कॉन्सिडेंस ऐसा हो जाता है, घटना ऐसी जुड़ जाती है कि कभी हमने ऐसे कहा कि मैं ऐसा कर दूंगा तो वो काम हो जी सर गया, तो फिर हमारा बिलीव और स्ट्रोंग हो जाता है कि सब तो मन्नत से ही होता है। बिल्कुल और ऐसा आपकी लाइफ में कभी हुआ भी होगा कि आपने कोई चीज मांगी होगी और वो वही पूरी तो भी? मैं बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड का वो इनकम टैक्स वाला जो मैं बता हाँ रही हाँ थी मैं ना, उनका जी क्लियर क्लियर हो गया, हो तो गया। वही। तो मन्नत पे अब आपका विश्वास हो गया कि मन्नत मांगते हैं तो वो ही फिर ही अच्छा होता है, फिर ही काम बनते हैं। अगर नहीं पूरी करोगे तो फिर गलत गलत होता है, ये भी हमारा बिलीव है। कुछ अच्छा होता है ये भी हमारा बिलीव है, और ये नेगेटिव बिलीव है। और डर के कारण हम इनको छोड़ भी नहीं पाते। अब मन्नत का जैसे विचार आया आपको लगता है कि मैंने तो अब मांग ली है, अब तो पूरी करनी पड़ेगी, कोई पाठ पूजा करवानी पड़ेगी, अगर मैंने नहीं किया तो जो हमारा काम बना हुआ है वो बिगड़ जाएगा। इन छोटी छोटी ये तो मेरे लिए बहुत ही छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, ये कुछ भी नहीं है। इन बातों से लोग बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके परेशान है। जी सर, ये मैं कभी 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 वीडियो में देखती हूँ, तो लोग कहते हैं कि भगवान के यहाँ पे जाके तो गोर नहीं रहते, तब सोचती हूँ मैं सर अगर मुझे वो विचार भी आते ना कि जाकर मंदिर में खाली गोर रहते अब आप तो देखो जो जो इनकम टैक्स की आप जो बात कर रहे हैं उसमें जी जो भी वो लफड़ा था, जो भी प्रॉब्लम थी, जी आप उसमें जी ये देखो ना कि वो मन्नत से सॉल्व हुआ है मेरा, या मैंने खुद भी आपके हस्बैंड ने उसमें एफर्ट तो किए होंगे ना, सर बहुत मेहनत किया है, मेहनत ये किया ना, नहीं मेहनत तो की। आप उस मेहनत को इग्नोर कर रहे हो और मन्नत को पकड़ रहे हो। तो वही दिक्कत है ना, मेरे दिमाग में तो दिमाग मेरा मन मुझे बहुत अगर ज्यादा आप प्रेशर एक बार पड़ता ये सोच के देखो कि अगर वो कुछ भी नहीं करते, घर पे बैठ जाते, कोई है। एक्शन नहीं लेते, तो क्या आपकी मन्नत काम करती? जी नहीं, तो फिर लेकिन कभी कभी सब और वो कहते तो हैं चलो कि इतना भी आपने मेहनत। वो तो चलो आपने मुंह से कुछ कहा होगा, मांगा होगा, और ये जो विचार चल रहे हैं बेवजह से, वो तो कनेक्शन है एक दूसरे का है, तो वो कनेक्शन है, कनेक्शन बना रहा है कि अब विचार आ गया तो मन्नत मांग ली। अब ऐसे थोड़ी मन्नत मांगी जाती है, ठीक है। तो ये हमारे डर हैं, इन डरों का सामना करना पड़ेगा। वो जो देखो एक ही बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे,
कि डर का सामना करना है, और डर का सामना कैसे करना है कि मन्नत चाहे विचार आए चाहे अपने रियल मांग आए, कुछ पूरी नहीं करनी। करके तो देखो, हमें हम डर से कब कब उभरेंगे, जब हम उस चीज को करके देखेंगे। लेकिन आप कर ही नहीं पा रहे, आपको लग रहा है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो पता नहीं मेरी तो इससे भी बुरी हालत हो जाएगी, जी सर, तो तो यही इसीलिए बात आप है ना। उसको लटके हुए हैं उसके साथ। तो थोड़ी देखो हिम्मत तो लाइफ में करनी पड़ती है, जब जी आप तो वो चीज छोड़ के मैं देखोगे। कोशिश कोशिश बहुत करती हूँ। अभी मैं खाना बनाती हूँ तो वो भी चाह रहा है, तो मैं तुरंत हाथ धोती हूँ कि मेरा हाथ साफ हो जाएगा तो मेरे मन से वो भी चाह रहा है, फिर तुरंत हाथ धोती हूँ। मेरे हस्बैंड मैंने बोला मैं उस चक्कर में 2 नल खराब कर दिए अपने घर के, मुझे हाथ धोना क्योंकि है वो और डिसऑर्डर भी। बन गया ना, वो ओसीडी बन गया, वो ओसीडी में बदल गया ना आपकी, वो जो नॉर्मल सोच थी या जो नॉर्मल बिहेवियर था जो हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं, वो अब नॉर्मल में हो गया सब। ठीक है, और वो तो बोलते हैं इस बार नल खराब हो तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं, 2 नल खराब कर दीजिए इस बार खराब हो तो गलती मेरी, उसकी वजह से ना मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच हमेशा झगड़े होते रहते हैं। वो मुझको बहुत ज्यादा इग्नोर करने लगे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, आप ये चीजें करके देखो। ठीक है, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उन चीजों का सामना करो, क्योंकि जब आप सामना करोगे आपके अंदर ऑटोमेटिकली हिम्मत आएगी, फिर आप इन चक्रों ये झंझट झंझट ये झंझट है, इन झंझटों में आप पड़ोगे ही नहीं। अब आपने वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम बना ली है, देखो सर बहुत बड़ी बन गई है बड़ी बन गई है ना। सर, आपने एक टाइम बताया था कि मन्नत असली हो या नकली से पूरा नहीं करना है, चाहे हाँ, उसको पूरा नहीं करना है, चाहे विचार आए चाहे आपने खुद से भी कहा है। चाहे ठीक है, पूरा किसी नहीं के दिल करना। से कि... लेकिन आप देखो सर एक ये बार सब एक चीज पर एक्सपेरिमेंट तो करके देखो। एक्सपेरिमेंट लेकिन मतलब सर कि उसको करके करके तो देखो ना कि मैं ये नहीं करके देखती। देखो, ये इस चीज को छोड़ना चाहो तो आज छोड़ सकते हो, लटके रहो तो सारी उम्र लटके रहो, बड़ी सीधी और स्वस्थ बात है। जी। लेकिन हर ना चाहिए, हर छोटी छोटी बात में हर ये काम हो तब करूंगी वो काम, मैंने हर काम के लिए भी आता है ज्यादातर तो काम से पहले, तो वैसे ही आप मैं देखो, कहना चाहते ये काम हो गया। काम के साथ हमारा ये भी डर जुड़ा हुआ है कि अगर हमारा काम खराब हो गया, इनकम रुक गई, बिजनेस लॉस में चला गया, तो हमारा हम कैसे रह पाएंगे, ऐसे कैसे जी होगा, है ना। हाँ यही है, यही प्रॉब्लम हाँ, है। तो वो भी तो हमारा ईगो, इसमें देखो ईगो भी काम करती है, जो हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हमारे इमोशंस कैसे ट्रिगर कर रहे हैं इस चीज में, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है ना। ऐसा है कि नहीं, कि अब मान के चलो जब आपको काम रुक जाएगा, कोई जॉब रुक जाएगी, तो इनकम का सोर्स कैसे रहेगा आप, फिर आप समाज में कैसे, वो समाज तक अगर उस थॉट को पकड़ोगे, उसकी फाउंडेशन तक, जड़ तक जाओगे ना, बहुत कुछ निकल के आएगा। अब आ रहा है ना, देखो मैं बोल रहा हूँ तो समझ में आ रहा है कुछ आपको। हाँ, अब देखो समाज कहाँ से आ गया, मन्नत का विचार था वो, क्यों, क्योंकि उसके साथ ये जुड़ा हुआ था कि अगर मेरा कोई काम छूट गया तो फिर हम कैसे रहेंगे, हमारी सोसाइटी में इज्जत है, सम्मान है, मान है, ये सब है, वो सब लोग हमारे सब ऊपर। उसकी मुझे परवाह नहीं है, बस ये होता है कि हम लोग नहीं, मतलब कैसे ये बात रहेंगे, नहीं कह कैसे रहे हो, सरवाइव नहीं, करेंगे। सुनो, ये आप ऊपर ऊपर से कह रहे हो कि परवाह नहीं है। चलो आओ, आज मैं नहीं कहता सर, हूँ आपको परवाह नहीं है, सुनो सोसाइटी सुनो मेरी बात सुनो आप, जी सर मैं ये बात बोलता हूँ कि आज आप अपना घर छोड़ के सड़क पे आओ, आ जाओगे क्या? जी नहीं तो सर फिर आप फिर ऊपर से कह रहे हो, अरे अंदर की बात मैं जानता हूँ ना, अंदर से जी कहो नहीं, मैं यही सोचती हूँ कि सर कि हम लोग परवाह नहीं है। मान ये लीजिए सब सर्वाइव लोग मुझे कैसे कहते हैं कि सर करेंगे। हमारी परवाह नहीं है, फिर अगर परवाह ही नहीं है तो फिर वो थॉट परेशान क्यों कर रहा है, परवाह है इसलिए वो विचार परेशान कर रहा है। अब आप जी बात सर समझ में आ रही, मैंने कहाँ से बात करी है आपके साथ, ये मन कैसे काम करता है हमें पता ही नहीं, इसलिए तो हम परेशान हैं। तो इसको जी समझना ही तो डिसऑर्डर से बाहर आना है, इसको जी समझना ही तो सर एंग्जाइटी से बाहर आना है, डिप्रेशन से, स्ट्रेस जी से, ओवर थिंकिंग से, साइकोलॉजिकल जितनी भी प्रॉब्लम है, जब तक जी इनके प्रति एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, समझ नहीं होगी, तो इनसे तो कभी हम बाहर ही नहीं आ पाएंगे। समझ जी होगी सर तो तो हम फंसेंगे भी नहीं। जी तो वो देखो इमोशन जी कैसे काम करता, और आपने कितना इजीली बोल दिया आसानी से कि नहीं हमें तो परवाह ही नहीं है। जी अब मुझे बताओ परवाह है कि नहीं, थोड़ी थोड़ी बहुत तो होती है सर, बहुत लेकिन बस नहीं, इतना थोड़ा बहुत कुछ नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता,
ये बीच वाला नहीं, कभी बीच वाला कुछ नहीं होता, ये बात भी गलत कह रहे हो, सर क्योंकि मैं फंसे सिर्फ हुए हैं इतना ना, सोच इतना गहरा फंसे हुए हैं। जी सर मैं सिर्फ इतना सोचती हूँ हम लोग सर्वाइव कर, क्योंकि मेरा एक छोटा बच्चा है हाँ अब उसको देखो भी बच्चा भी आ गया ना। जी सर 3 साल का बच्चा है, उसकी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के टाइम पे इस टाइम पे बहुत ज्यादा खर्चे हैं सर, तो उसकी आपको पढ़ाई लगता है भगवान लिखाई आपका ही बुरा करेंगे, आपने उनकी बात नहीं मानी तो? वही सर डर मन्नत लगता पूरी है नहीं, ना। तो फिर वही ये बात आ गई ना, देखो ये कितना बड़ा ईगो भी जी जुड़ा हुआ है इसके साथ, डिसऑर्डर के साथ, जी वो जो हमारा नेगेटिव इमोशन है। तो कुछ हिम्मत तो करनी होती है, छोड़ के देखो, जी देखते हैं क्या होता है। सर अब मैं सोचती मैं हाथ ना धोऊं सर, मैं सोचती मैं हाथ ना धोऊं, मैं खाना बना रही थी उसमें कुछ ना निकालूं, लेकिन अगर नहीं निकालती हूँ नहीं हाथ धोती हूँ तो मुझे वो बिचार एकदम जकड़ देते हैं और मुझे सोच कहते हैं कि तुम जाओ वो हाथ धो लोगी तो तुमको वो बिचार तुम्हारी क्योंकि खत्म हो जाएगी, ऐसा करते हैं सर। क्योंकि ऐसा सोच सोच करके बार बार वो ओवर थिंकिंग से अब वो एक सच सा लगने लग गया है, आपने उसको मान लिया है जी सर और वो झूठ लगता ही नहीं है। जी तो तो सर इसलिए इसका मैं सिंपल सा साधारण सा आसान सा सवाल बता दीजिए, मैं इसका क्या करूँ। सिंपल सा साधारण सा जवाब तो मैं दे चुका हूँ आपको, लेकिन फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जी कुछ पूरा नहीं करना होता है, बस इसका इतना ही सर जवाब है। चाहे दुनिया जी इधर की उधर हो जाए, जी आपको एक दिन एंग्जाइटी होगी। देखो डर का जब हम सामना करते हैं ना, प्रॉब्लम होती है। जब मैंने अपने डरों को ओवरकम किया था, खत्म किया था धीरे 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 धीरे, तो प्रॉब्लम से निकल के ही तो सोल्यूशन होता है ना। जी सर आप कह रहे हो मुझे एंग्जाइटी ना हो, मेरा डर भी निकल जाए, जी ऐसा नहीं होगा। एक दिन होगी, 2 दिन होगी, हो सकता है एक हफ्ता हो, होगी। जी जी लेकिन जब आपको उसकी रियल समझ आ जाएगी कि यार ये तो बस कुछ भी जी नहीं है, ये तो हमारा, सर हाँ जी सर बस मेरा इसमें कहने का मतलब चाहे असली मन्नत हो चाहे छोटे छोटे काम के लिए मेरा ये काम हो जाए तो वाली मन्नत हो, जैसे मेरे उसी भी के थ्रू आता है लेकिन नहीं आते थे सर, लेकिन आते हैं अब तो मुझे कुछ भी पूरा नहीं करना कुछ भी पूरा नहीं करना, यही है सर। सबसे बड़ा सच है, यही सिंपल बात है। एक बार मैंने ना बहुत जोर जवाब से मैंने एक पंडित जी से पूछा था तो उन्होंने बोला ये सब तो ऐसे है लेकिन अगर तुम मंदिर पे जा रही हो तो तुम मंदिर पे जाकर वहां पे कुछ मांगते हो उसे पूरा करना है, तो क्या वो सच है सर। नहीं वो भी नहीं, आप मेरे साथ कभी आओ, मैं आपको बोल के दिखाता हूँ। अरे जी उसके लिए हिम्मत चाहिए, मतलब वो अंदर माइंड जी बहुत स्ट्रांग चाहिए, जो आपके पास नहीं है। जी और इस यही कारण है कि आप प्रॉब्लम में हैं, जी और आपकी उन्होंने प्रॉब्लम कहा है ही नहीं कुछ। देखो आप अपनी लाइफ में देखो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम सर है? बिजनेस की मैं जगह बिजनेस है, जॉब की जगह जॉब है, पैसे की जगह पैसा है, रिश्ते की जगह रिश्ता है, जी सर ठीक सब है, सब ठीक है सर, सब ठीक है। ठीक है सर। अब मैं सोचती हूँ कि नॉर्मल ही रहे, मैं नॉर्मल ही जीना चाहती हूँ, जब तक हूँ तब तक नॉर्मल ही दे, लेकिन ये औषधि का ये विचार जो आता है ना सर मुझे बहुत खपा कर बेचैनी कर देता है सर। आप आपको आपको अपने दिल की और एक पर्सनल बात बताती हूँ, जी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में मेरे जब मेरा बच्चा हुआ 4 साल हो गए, हमारे बीच में मतलब कोई भी हस्बैंड का जैसा रिलेशन नहीं बना है, अब उसके लिए मुझे मन्नत के विचार आने लगते हैं कि मेरे हस्बैंड मेरे पास आए हमारे बीच में हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशन बने तो मैं विचार आने लगता मैं ये काम करूंगी ये ऐसा विचार आने लगता है समझे। तब देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, एक छोटा सा विचार, बेकार सा विचार। सर आप मैंने क्या कहा आपको समझे हैं कि नहीं, हाँ जो मैंने कहा अभी फिलहाल अभी जो कहा वो समझे कि नहीं मेरे और मेरे मैं हस्बैंड के समझ, बीच वो में। बात मैं समझ गया आपकी, जी, आप क्या कह रहे उसके हैं लिए वो भी बात मुझे मैं उसके समझ लिए भी गया। मुझे ना विचार आने लगते हैं सर, मन्नत वाले विचार, मेरा हो ये मेरे हस्बैंड मेरे पास है मेरे करीब आए हम लोग साथ में एक हस्बैंड वाइफ जैसा टाइम बिताएं साथ में हम लोग रिलेशनशिप बनाए तो ऐसा टाइप का, उसके भी मुझे विचार आने लगते हैं और हर तरह के विचार आने लगते, कभी कोई सुन ले कोई पूजा पाठ ना तो वो विचार आने लगते देखो हैं। अंदर तो मन्नत का डर ही है ना, वो तो रिलेट तो सब चीजों के साथ करेगा ना, वो जितनी आपकी लाइफ है ना, चाहे आपके बच्चे की है, चाहे आपके दोनों के रिश्ते की है, आपके बिजनेस की, जॉब की, घर के कामों की, कुछ आगे आने वाले जो आप डिसीजन लोगे ना, जैसे बच्चे की शादी करनी है या स्कूल में भेजना है, तो आगे और ये प्रॉब्लम बढ़ने वाली है आप। सर एक बार तो मेरे हस्बैंड ने एक बच्चे मेरे बच्चे को एक बार तो स्कूल में डालने का फिक्र था, जैसे वहाँ पर स्कॉलरशिप का होता था तो बोले कि हो जाएगा, तब उस टाइम पे मैं गई थी पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स को लोग को बुला के, उस टाइम पे मुझे वो विचार आ गए थे मेरे बच्चे का इस बड़े स्कूल में एडमिशन है तो कहा था मन्नत वाला विचार, मैंने बोला होके कहना हो गया मुझे फर्क न पड़े लेकिन मैं मन्नत वाला विचार नहीं करूंगी, उस टाइम पे मुझे विचार आ गए थे।
ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, देखो बात तो इतनी सी है, एक्सपोजर हमें करना पड़ेगा। जो समझ की बात कर रहे हो, समझ मैंने दी है आपको कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर देखो मैं आपको मना कर रहा हूँ, कोई चीज रोक रहा हूँ, तो आप ना ये बात ध्यान से सुनने वाली बात है, इससे आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि आपकी मन्नत जो आपने मांगी है, चाहे विचार से है, चाहे आपने रियल मन्नत मांगी है, ठीक है, उसको रुकवा कौन रहा है? नहीं, मैं उसको पूरा नहीं करना, ये बात कौन कह रहा है आपको? मैं कह रही हूँ मैं कह रहा हूँ आपको, जी, आप नहीं कह रही, कौन कह रहा है आपको? आप कह रहे हैं मैं कह रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि अब उसका जिम्मेदार मैं भी नहीं हूँ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, आप मुझे मना करें तो मैं इसलिए मना पूछा कर रहा हूँ, आपसे तो इसका कि जिम्मेदार मैं भी हुआ ना। आप इस जी बात को ध्यान से नोट कर लो कि जो जी आपकी मन्नत, जो चाहे विचार आने की वजह से आपको लग रहा है कि मैंने मांग ली है, चाहे आपने रियल मंदिर में जाके मांगी है, उसको रुकवाने का काम कौन कर रहा है? आप मैं कर रहा हूँ। तो क्या इसके जिम्मेदार या इसका हिस्सेदार मैं हुआ करूँ? बिल्कुल अगर आपको पूरी नहीं करते, आपको नुकसान हो सकता है, तो क्या मुझे नुकसान होने का डर नहीं बिल्कुल सर, है होगा ना? तो इसका मतलब आपको कि मुझे डर नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं भी। होगा, तो क्या फिर आपका हाँ कोई नुकसान होगा? जी नहीं आपका जी गलत बिल्कुल होगा? होगा जी, नहीं तो मैं बिल्कुल आज ही, आज से ही कहना चाहूंगा कि अगर भी छोड़ना चाहो इस विचार को, आज छोड़ दो। लटके रहो, नहीं। लमके रहो, तो पूरी जिंदगी लमके रहो, और आज ही अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दो। मुश्किल होगा, दिक्कतें आएंगी, ऐसी बात नहीं है। जब जब दिक्कत आए, आप मुझे फोन करो, मैं आपके साथ हूँ। जी आपको सर, वो थैंक डिसीजन यू लेने के लिए, वहां तक पहुंचने सर के लिए, उसका सामना करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। लेकिन ये चीजें बार बार करो। अब वो कंपल्शन को बार 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 करते रहे, तो वो तो सिलसिला कभी रुक ही नहीं पाएगा। तो थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, ठीक है? और वो हिम्मत देने का काम, वो ऊर्जा देने का काम मेरा है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है? जी सर जी, थैंक यू सर तो ये सब बकवास की बातें हैं, इन चक्करों में मत पड़ो, जिंदगी और खराब हो गई। आप जी कोशिश करके देखो, फिर भी नहीं हुआ तो फिर हम मिल लेंगे, ठीक है? जी सर, बिल्कुल हाँ ठीक है, जी, थैंक यू सर। ओके।